विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर अपना अभियान तेज कर दिया है। वीएचपी ने केंद्र से राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठा रही है। शिमला में वीएचपी ने बहुत हुआ इंतजार, अब करो शंखनाद के नारे के साथ एक विशाल सभा का आयोजन किया है, जिसमें वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित किया। जनसभा में वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने कहा कि वीएचपी राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में जन जागरण चलाए हुए है। 67 वर्ष से न्यायालय में राम मंदिर के मामले को लेकर लटकाकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है और कमरों में सुनवाई कर जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए न्यायालय को अब जन जागरण के माध्यम से जगाया जाएगा। केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर सुदृढ़ कानून बनाने की मांग की जा रही है। देखिए, न्यायालय का रवैया वो इस कारण है कि हमारे न्यायालय जनता के से कटे हुए हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि न्यायाधीशों को जनता के साथ कोई संपर्क हो या जनता की आशा आकांक्षाओं के बारे में कुछ पता हो। वो अपनी चार दीवारी में बैठते हैं, अंग्रेजी में इसे आइवरी टावर कहते हैं, उसमें बैठते हैं। इस कारण उनको जनता की आस्थाएं, जनता में क्या चल रहा है, उनकी विचार क्या हैं, ये सारों से वो अवगत नहीं रहते, और इसलिए वो केवल किताबी उनके सामने जो बहस होती है उसके आधार पर फैसले देते हैं। इस जन जागरण माध्यम से न्यायाधीशों तक भी ये संदेश पहुँचेगा कि ये जन जन की आकांक्षा है। कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जो न्यायालय की कक्षा के बाहर होते हैं, आस्था के विषय हैं, न्यायालय नहीं तय कर सकता कि वहां राम जन्मभूमि का मंदिर था या नहीं थे। वीएस कोकजे ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वह राम मंदिर का निर्माण ना करवाए। भाजपा सरकार तो सत्ता में आई है, रामलला के मंदिर निर्माण के मुद्दे पर ही बनी है। सरकार के अंदर हिम्मत की कमी है। उसी कमी को दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने देश में जन जागरण अभियान छेड़ा है। कांग्रेस पर वार करते हुए कोकजे ने कहा कि आज कुछ हिंदू लोग मुसलमानों के वकील बने हुए हैं जो राम मंदिर को नहीं बनने दे रहे। उन लोगों को हिंदुओं का विराट रूप दिखाना होगा, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। कांग्रेस ने तो न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र था, जिसके लिए सारी हिंदू जनता ये मान जाएगी, ये जरूरी नहीं है। सबरीमला के केस में ये सिद्ध हो गया कि न्यायालय को जना का आकांक्षाओं का, जनता की आस्था का कोई पता रहता नहीं है। वहाँ इतना बड़ा आंदोलन अब चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध चल रहा है। तो ये सब दूर करने के लिए जन जागरण के माध्यम से ये आवाज़ भी न्यायपालिका तक पहुँचे और उनको भी ये समझ में आए कि जनता के आस्था किस में है, जनता क्या चाहती। मंदिर निर्माण को लेकर परिषद 3 चरणों को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसमें पहले में राज्यपाल से मिलने के बाद ज्ञापन सौंपे, साथ ही हर प्रदेश की जनता की राय राम मंदिर निर्माण को लेकर। दूसरे शीतकालीन सत्र से पहले विश्व हिंदू परिषद 543 सांसदों के पास जाकर राम मंदिर बनाने का दबाव बनाएगी, जिसके तहत 12 दिसंबर को जनसभाएं आयोजित की जा रही है। तीसरा, हर मंदिर गुरुद्वारे में राम मंदिर निर्माण के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे।